हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट एंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में देखेंगे ओपी शुक्ला हिंदी डिक्टेशन, जिसकी गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का समय रहेगा 5 मिनट। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। देश की आर्थिक अवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह संतोषजनक है। हम देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं, यह भी एक आशाप्रद बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूँ कि देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि इस देश के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, वह समाज के किस अंग में, किस रूप में उपयोग में लाई गई है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को खत्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से हैं। आज तक डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। उसी तरह वित्त मंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बतलाने में असमर्थ रहे। यह ठीक है कि बेकारों की बेकारी की समस्या को महसूस करते हुए, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह पता लगता है कि बेकारी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। गरीबी का सवाल बेकारी की समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को काम मिलेगा तो बेकारी दूर होगी और देश से गरीबी भी दूर होती जाएगी। मेरे मित्र ने यहाँ अपने विचार प्रकट करते हुए अभी कहा कि देश की उन्नति के लिए नागरिकों को त्याग करना चाहिए। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूँ और हमारे देश की जनता भी
इसको अच्छी तरह से जानती है कि बिना कष्ट उठाए पूंजी जमा नहीं हो सकती और बिना पूंजी के विकास नहीं हो सकता, परंतु सिर्फ इस सदन में खड़े होकर कह देने से पूंजी नहीं बढ़ सकती। जनता हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, परंतु उसे रास्ता आपको दिखलाना चाहिए। आपको स्वयं कुछ त्याग करके जनता के सामने जाना चाहिए, तब आप विश्वास रखिए जनता हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार रहेगी। समाप्त। फ्रेंड्स, आपको यह डिक्टेशन कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा इस डिक्टेशन को लिखें, क्योंकि पेपर में इसी तरह के आपको ITI में वैट मिलेंगे। और अपने मित्रों में इस डिक्टेशन को शेयर करें, क्योंकि डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट से थोड़ा कम है। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, और कुछ ही वर्ड्स आपको टफ लगते हैं तो अलग से रफ्फल लिखकर उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, फिर मैटर को लिखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें।